हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिहार की फेमस चना दाल पराठे की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाना इसे बिल्कुल ही आसान है। इस पराठे को चने दाल की स्टफिंग करके बनाया जाता है। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले फिलिंग्स की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कप चना दाल लिया है। दाल में पानी डालकर हमें दाल को दो चार पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इसके अंदर जितना भी डस्ट है वो अच्छे से वॉश आउट हो जाए। दाल को हमने यहाँ पे तीन चार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इस धुले हुए दाल को प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। अब हम दाल के साथ ही दो कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, थोड़ी से डालेंगे हल्दी पाउडर, कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर दो विसिल और लो टू मीडियम फ्लेम पर चार पांच विसिल लगा लेंगे। जब तक हमारा दाल रेडी हो रहा है, इतने में हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कप गेहूं का आटा लिया है। आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी नमक, साथ ही में हम यहाँ पे एक पिंच हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, इससे हमारा पराठा दिखने में अच्छा लगेगा। मिला लेंगे सभी को अच्छे से। अब हम आटे में थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है, बिल्कुल देखिए इसी तरह का हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। ढककर इसे हम साइड में रख देते हैं और तब तक अपनी फिलिंग की तैयारी करते हैं। इतने में हमारा दाल भी पक गया है, तो दाल को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जो दाल है वो अच्छी तरह से पक गया है, और ये देखिए दबा के देखते हैं, ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम पैन में एक बड़ी चम्मच तेल लेंगे। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा लेंगे, साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। आधे मिनट के लिए इनको हम सॉटे कर लेंगे। अब इसमें हम दो मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ एक छोटी चम्मच हम अदरक लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन प्याज का कच्चापन खत्म होने तक इसे हम चलाते हुए इसी तरह से पकाएंगे। इन सभी को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, और ना ही हमें प्याज का ज़्यादा कलर चेंज करना है। सभी चीज़ों का कच्चापन खत्म होने तक इन सभी को हमने पका लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले का इस्तेमाल करेंगे। आधी छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हम जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम थोड़ी सी कुटी हुई ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। सभी मसालों को हम धीमी आंच पर एक से डेढ़ मिनट के लिए भून लेंगे। नमक और हल्दी का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि नमक तो हमने पहले ही दाल में इस्तेमाल कर लिया था, और साथ ही हमने कुछ आटे में भी थोड़ी सी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यह हमने मसाले को एक डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस मसाले में हम सारे पकाए हुए जो हमारे दाल है उसे हम डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम थोड़े से चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। इस स्पैचुला की मदद से हम दाल को थोड़ा सा इस तरह से मैश करेंगे। इससे जो है कुछ दाल हमारे खड़े रहेंगे, कुछ दाल अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, और दाल हमारा पूरी तरह से जब तक ड्राई नहीं हो जाए, इसे हम इसी तरह से चलाते हुए धीमी आँच पर रखेंगे। तो देख सकते हैं कि दाल जो है हमारा ड्राई होना शुरू हो गया है, और देख सकते हैं कि दाल जो है हमारी अच्छी तरह से देखिए ड्राई हो गई है, और देखिए दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आखिर में इसमें हम थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है, और इस फिलिंग को हम पूरी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। फिलिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, और इतने में हमारा आटा भी सेट हो गया है। एक बार और हम आटे को अच्छी तरह से नीड कर लेंगे, और उसके बाद इस डो की हम लोइयां तोड़ लेंगे। और जो हम लोइयां लेंगे ना, जो नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं ना, उससे हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक लोइयां ली है, और चकली पे रख के इसे घुमाते हुए हम अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से आटे को स्प्रिंकल करेंगे दोनों तरफ ही, जिससे आटा हमारी चिपकेगी नहीं
अब हम इसे अंगूठी की सहायता से इस तरह से घुमाते हुए इसे हम कटोरी का शेप देंगे। आटे को लगाने से ना जो कटोरियाँ हैं बहुत ईजिली बन जाती है और हाथों में चिपकती भी नहीं है, और इस तरह से परफेक्ट कटोरियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तैयार किए हुए फिलिंग का हम देखिए इस तरह का बॉल बना लेंगे, इससे स्टफिंग करने में आसानी होगी। स्टफिंग को हम थोड़े से हाथों से प्रेस करेंगे और कटोरियों को हाथों में लेके इस तरह से घुमाते हुए इसे हम अच्छी तरह से सील कर लेंगे। आप चाहे तो सील किए हुए पोर्शन को निकाल सकते हैं या फिर इसे इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से इसे हम पैक कर लेंगे। इस तरह से आप स्टफिंग करेंगे तो आपकी स्टफिंग कभी भी पराठे से बाहर नहीं आएगी। अब एक बार इसे हम आटे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे ताकि इसे हमें बेलने में आसानी होगी, और इसे हम हथेलियों से इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो स्टफिंग है ना वो पराठे के चारों ओर अच्छी तरह से फैल जाए। और अब इसे हम बेल लेंगे। पराठे को हमने बेल के इस तरह से देखिए तैयार कर लिया है। अब हम इस पराठे को तवे में डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हम पराठे को पलट लेंगे और दूसरी तरह से भी इसे हम पकने देंगे। अब हम पराठे में तेल या घी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से तेल को हम फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी पराठे में हम तेल का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी हम इस तरह से देखिए कलछी की सहायता से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे, अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसे हम वापस से पलट लेंगे। और देख सकते हैं कि पराठे कितनी अच्छी तरह से फूल गई है, एकदम फूली फूली पराठे तैयार हुई है और जो स्टफिंग है हमारी कहीं से भी बाहर नहीं आई है। तो पराठे को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए सेक लेना है। तो देखिए पराठा जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये पराठा। जब भी आप कुछ स्पेशल कुछ अलग खाना है तो आप इस पराठे को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप इस पराठे को मीठी सेवैया या फिर मीठी खीर के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही अपने मनपसंद सब्जियां भी ले सकते हैं। देखिए पराठे कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और फीलिंग भी देखिए हमने कितनी इसमें भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया था, और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी फीलिंग जो है कहीं से कहीं बाहर नहीं आई है। तो चलिए इंजॉय करते हैं इस गर्मा गर्म पराठे को। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ बहुत ही जल्द और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।